आज मैंने यहाँ पे बनाया है गेहूं के आटे से पेड़े। ना मैंने इसमें चाशनी का यूज़ किया है, ना मैंने इसमें दूध डाला है, और ना कोई मिल्क पाउडर का यूज़ किया, ना कोई खोए का यूज़ किया है। सिर्फ मैंने इसको गेहूं के आटे से बनाया है। और देखिए ये देखने में कितने डिलीशियस लग रहे हैं, वाकई में ये बहुत यम्मी भी बने हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पेड़े बनाने की रेसिपी शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी है, अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है। अभी मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप गेहूं का आटा, और यहाँ पे लिए एक छलनी बारीक वाली, और इसको मैं पहले इसके अंदर छान लूंगी। और अब हम कर लेंगे यहाँ पे फ्लेम को ऑन, और इसको कर लेंगे यहाँ पे बिल्कुल लो। और जो ये हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, हम इसको अच्छे से यहाँ पे भूनेंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको चलाते हुए भूनना है हमें, और इसको यहाँ पे लगातार चलाते हुए ही भूनना है। ना मैंने इसके अंदर अभी घी ऐड किया है, ना कोई दूध ऐड किया है, इसको हमें सूखे ही भूनना है, और इसको हम ऐसे चलाते हुए भूनते रहेंगे। इसको हमें आटे की यहाँ पे अच्छे से भुनाई करनी है, ये कच्चा नहीं रहना चाहिए, तो इसको लगातार चलाते हुए हम भून देंगे बिल्कुल। जब आटा यहाँ पे भुनना शुरू होगा तो ये थोड़ा फ्लफी होता चला जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आटा भुनना थोड़ा शुरू हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया, और इसके अंदर से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। हम इसको जैसे पेड़े का कलर होता है ना बिल्कुल ब्राउन, हम इस आटे का कलर वैसा ले लेंगे यहाँ पे भूनते भूनते। तो इसको भी हम और भुनेंगे, इसको लगातार चलाते चलाते मेरे को यहाँ पे 10 मिनट हो गया है, और इसका कलर अभी मोस्टली ब्राउन हो ही चुका है। अभी हम थोड़ा सा इसको और भुनेंगे, बिल्कुल भी इसके अंदर कच्चापन नहीं रहना चाहिए आटे के, हम इसको बिल्कुल अच्छे से भूनेंगे। अभी देखिए यहाँ पे आटे का कलर बिल्कुल ब्राउन हो गया है, और ये अच्छे से भुन गया है, और इसको भूनने में मेरे यहाँ पे 12 मिनट लगे हैं, 10 से 12 मिनट लगे हैं मेरे को यहाँ पे इसको लो फ्लेम पे भुना है मैंने इसको बिल्कुल। अब हम यहाँ पे फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और अभी कढ़ाई गर्म है तो इसको हम अभी थोड़ा देर चलाते रहेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी घी, और अभी मैं थोड़ा सा घी डालूंगी इसके अंदर, वैसे मैंने आधा कप घी लिया है, तो इसके अंदर मैं डालूंगी अभी थोड़ा सा घी, और इसको हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, पहले इसको ऐसे प्रेस करते हुए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले पूरे आटे के अंदर। इसके अंदर ज़्यादा घी नहीं डालना है, इतना घी डालना है जितना ये अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाला था, अभी मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी इसके अंदर, और इसको भी हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। हम इसके अंदर सिर्फ इतना घी डालेंगे जितना कि जब हम इसके पेड़े बनाए तो वो अच्छे से बन जाए। तो देखिए अभी मैंने इसके अंदर अभी आधा कप पूरा नहीं डाला है, और इसको भी मैं अच्छे से यहाँ पे ऐसे मैश करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये यहाँ पे लिया है मैंने काजू और बादाम, और इसको मैंने आधी कप चीनी डाल के मिक्सर जार में पीस लिया, और 2 चम्मच मैंने इसमें डाला था यहाँ पे दूध, और इनका मैंने यहाँ पे ऐसे मिक्सी जार में पीस के ऐसे बना लिया है। चीनी गर्म में नहीं मिलानी है, तो मैंने तो यहाँ पे पेस्ट बना लिया है, आप ऐसे सिंपल इसको बूरा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने इसको मिक्सी जार में डाल के इसका एक पूरा पेस्ट बना लिया है ऐसे ही, तो मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अभी थोड़ा ठंडा हो गया है, ठंडे होने के बाद ही हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, वरना ये हलवा बन जाएगा। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हम इसको यहाँ पे हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, जो मैंने काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था, आप इसके अंदर बूरा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इनको यहाँ पे ऐसे लड्डू की शेप बनाएंगे। आपको जिस भी शेप में बनाना है, गोलाई में बनाना है या पेड़े की शेप में बनाना है, आप उसी शेप में इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने सारे पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं, और मैंने इनके ऊपर नारियल का बुरादा डाला है, उससे मैंने इनको अच्छे से गार्निश कर लिया है।